बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए। अजहरुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी गुजरात का श्रेय लेती है तो मोरबी के लिए जिम्मेदार कौन? धर्म के नाम पर बीजेपी का खेल, कैसे देगी बीजेपी जवाब? गुजरात में सियासत गरम है और हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं निशाने पर आती हुई दिखाई दे रही है और इस बार बीजेपी पर निशाना साधा है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने, जो कि अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा गुजरात में मॉडल का श्रेय लेती है तो फिर मोरबी ब्रिज हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका श्रेय क्यों नहीं? AIMIM के नेता ने सोमवार को गुजरात में एक रैली में कहा, अगर बीजेपी गुजरात के विकास का श्रेय लेती है तो उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि मोरबी पुल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जिसके गिरने से 140 लोगों की मौत हो गई। आज तक ब्रिज का काम देखने वाली कंपनी के लोग पकड़े नहीं गए और PM नरेंद्र मोदी अमीर लोगों से प्यार करते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने हुए मोरबी ब्रिज हादसे में कई बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के कुछ दिन पहले ही पुल जनता के लिए खोला गया था। ब्रिज के रखरखाव और रेनोवेशन का काम ओरेवा समूह को दिया गया था, जो अजंता घड़ियों को बनाने के लिए जानी जाती है। आगे उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि गुजरात में भाजपा लगभग 27 सालों से शासन कर रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है, लेकिन एक भी मुस्लिम को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। ओवैसी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, जबकि उनकी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए। बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आप देखना, ये हमारा जुमला कल सुबह 11 बजे से TV पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। आने मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है। अब कल से शुरू हो जाएंगे, हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। अब ये तो तय हो चुका है कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में दो चरणों में वोट डाले जाने हैं। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाला जाएगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट किया जाएगा और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। यानी कि 8 दिसंबर को पता चलेगा कि किस पार्टी का कितना दबदबा है। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ साथ धर्म के नाम पर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जवाब देना काफी मुश्किल नजर आने लग गया है। और ऊपर से गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है, तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। द कंटाप न्यूज की रिपोर्ट।